नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में सिग्मा एजुकेशन। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, ये हिंदी का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही छोटा सा है, तो इसको भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे शब्द रचना की करेंगे, वर्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे, किस तरह से शब्द की रचना होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, पहले तो यह शब्द किसे कहते हैं, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम जो मेन जो हम बात करेंगे इसमें, जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मोस्टली जो है टीचिंग एग्जाम वगैरह CTET KVS और जो UPTET HTET वगैरह में तो पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रहते ही हैं इससे, तो उसकी हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं शब्द की रचना जो है, वर्ड फॉर्मेशन, छोटी डेफिनेशन देख लेते हैं, शब्द क्या कहते हैं। शब्द क्या है, शब्द जो है एक वर्णों के सार्थक समूह को जो है क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिख रहा है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। पूछ ले जाए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो है शब्द किसे कहते हैं, या फिर वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक, एक ही बहुत ही ये है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। अगर पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपको जवाब देना है कितने, तीन भेद होते हैं। अगर मूलतः या वैसे तो शब्द के दो ही भेद होते हैं, क्यों ये देख लेते हैं। ठीक है, तो तीन भेद हम इसमें देख लेते हैं, पहले तीन भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, शब्द के तीन भेद कौन कौन से होंगे, फर्स्ट जो होगा वो होगा रूढ़, ये आपको याद रखना है रूढ़। सेकंड जो होगा वो होगा यौगिक, कौन सा होगा, यौगिक। और जो थर्ड जो होगा वो होगा योग रूढ़। ठीक है, तो भेद पूछा जाए कि कौन कौन से शब्दों के भेद होते हैं, तो तीन बताने, कौन से, रूढ़, यौगिक, योग युरु। अब देखेंगे हम, वैसे दो ही होते हैं, कौन से, रूढ़ और यौगिक, क्योंकि योग युरु जो है अर्थ की दृष्टि से रूढ़ ही होता है। जो योग युरु है, जो तीसरा वाला है इसमें, ये क्या है, अगर हम इसका अर्थ निकालें, अर्थ की दृष्टि से इसको देखें, तो वो क्या होगा, रूढ़ ही होता है। बट जो रचना की दृष्टि से यौगिक और योग युरु, अगर रचना की दृष्टि से हम देखा जाए, यौगिक और ये वाला जो है योग युरु समान होते हैं। अर्थ की दृष्टि से योग रूढ़ जो होता है रूढ़ होता है, और रचना की दृष्टि से यौगिक और योग युण समान होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है। तो अब बात आती है शब्द रचना की, तो शब्द रचना के लिए क्या है, खाली यौगिक ही रह जाते हैं जिनकी हम शब्द रचना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है। ठीक है, यौगिक जो शब्द होते हैं उनकी रचना जो है तीन प्रकार से होती है। किस किस से, जैसे उपसर्ग से, उपसर्ग, या तो हम उपसर्ग से कर सकते हैं। दूसरा आता है प्रत्यय से, प्रत्यय से। तीसरा आता है समास से, समास से। तो रचना हम जो है तीन प्रकार से हम इसकी कर सकते हैं, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। इनकी भी हम बात करेंगे, तीनों की बाद में बात करते हैं, पहले अभी इस वीडियो में जो हमारा मेन है वो है शब्द रचना, किस तरह से रचना होती है। ठीक है, तो तीन होते हैं। अब देख लेते हैं उपसर्ग से कैसे रचना करते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग जो है जो शब्दों के पहले लगाए जाते हैं, जैसे अति प्लस अंत, अति प्लस अंत बन के हमें मिलेगा क्या, अत्यंत, अत्यंत मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अति क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग, अति जो है क्या है, उपसर्ग है, सॉरी, अति जो है उपसर्ग है। ठीक, अंत क्या है, अंत क्या है, ये मूल शब्द है जिसको हम धातु भी बोलते हैं, याद रखना है, मूल शब्द जिसको हम क्या बोलते हैं, धातु भी बोला जाता है। और जो इनसे जो मिलके बनेगा, इनकी हमें रचना करी, ये क्या मिलेगा, यौगिक शब्द, यौगिक। ठीक है, यौगिक शब्द। तो हम उपसर्ग से क्या है, शब्द की रचना कर सकते हैं, जिस मूल शब्द में या धातु में उपसर्ग लगाया जाए तो हमें क्या मिलेगा, यौगिक शब्द मिलेगा। नेक्स्ट है प्रत्यय से कैसे करेंगे, जैसे लैन दार, ठीक है, लैन दार, लैन दार मिलकर क्या बनेगा, लैन प्लस दार मिलकर लैन दार, जो कि ये क्या है, यौगिक हुआ, यौगिक शब्द है। और ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा मूल शब्द है, धातु, मूल शब्द। ठीक है, ये मूल शब्द है, और जो ये क्या हुआ, प्रत्यय हुआ, जो बाद में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय से हम शब्द की रचना कर सकते हैं। नेक्स्ट है समास से, समास से क्या होता है, समास में क्या होगा, दोनों शब्द मिलके
एक यौगिक शब्द बनाए हैं, जैसे प्रति की हम बात करें ये भी क्या एक शब्द है, ठीक है, मूल शब्द है, ठीक है, ये भी क्या है शब्द, ठीक है, हमें क्या मिलेगा प्रतिदिन, प्रतिदिन जो है ये भी क्या है, ये यौगिक शब्द हुआ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है, मतलब एक मूल शब्द में उपसर्ग भी लगा होगा और प्रत्यय भी लगा होगा, जैसे एग्जाम्पल है स्वतंत्रता, स्व प्लस तंत्र प्लस ता, तो हमें क्या मिलेगा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अब देखो ये क्या है उपसर्ग हुआ, ये क्या है शब्द तंत्र, मूल शब्द ही हम कह सकते हैं इसको, धातु, और ये क्या है प्रत्यय, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आगे भी उपसर्ग लगा होगा, पीछे प्रत्यय लगा होगा, जो कि मूल शब्द के दोनों साइड में लगा रहता है, इस तरह से भी हो सकता है। और कभी कभी क्या होगा, दो प्रत्यय एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, दो प्रत्यय एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे समझ प्लस दार प्लस ई, समझदारी, समझदारी, तो ये क्या है प्रत्यय, ये भी क्या है प्रत्यय, ये क्या है मूल शब्द, मूल शब्द। तो इस तरह से शब्द की रचना होती है, वर्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने इसमें बात करी है कितने भेद होते हैं उसके, और व्यक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, किस तरह से हम रचना कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।